एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पता नहीं कौन सी सोच में डूबा हुआ था। अरे ये तो वही वृद्ध है जो पहाड़ के ऊपर अपने घर में रहा करता था, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अकेले शांत रहा करता था। और ये तो सुबह चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, चाय अच्छी नहीं लगी तो चाय फेंक कर गुस्सा हो रहा था। पता नहीं उसके अंदर आज क्या चल रहा था, कभी शांत तो कभी गुस्सा हो रहा था। शाम में आज तेज बारिश के साथ लैंडफॉल हुआ था, जिसमें घायल वृद्ध अपने घर नहीं लौट पाया था। बारिश से बचने के लिए वो पेड़ के नीचे बैठ गया था। बैठकर वहाँ फूट फूट कर रो रहा था। प्रकृति से हार कर वो शांत हो चुका था। शांत बैठे एक गंभीर सोच में डूबा हुआ था। सोच रहा था उसका कभी खुशहाल परिवार हुआ करता था, एक बीवी और एक बेटी के साथ खुश रहा करता था। उस दिन भी ऐसी ही तेज बारिश के साथ लैंडफॉल हुआ था, जिसमें उसकी बीवी और बच्चे समेत घर भी बह गया था। एक ही पल में जीवन भर कमाया सब कुछ खो चुका था। क्या यही जिंदगी की असलियत है, वो मन ही मन यही सोच रहा था। ना कभी अच्छे कर्म किए, ना प्रभु के गुण गाए, अंतिम क्षण में सोच के क्या लाभ पाए। बाबूजी बेला गेलो संध्या हेलो आज तो समय नाई जाए बेला जाए बाबूजी गो जाए बेला जाए।